ग्लोबल वेब इंडेक्स के हिसाब से 62% इंस्टाग्राम यूजर्स इंस्टाग्राम से इजीली एडल्ट मटेरियल यानी 18 प्लस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, नो मैटर उनका एज 10 साल हो या फिर 50 साल। स्नैपचैट के बाद इंस्टाग्राम सेकंड मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया साइट है, जहां पर 70% से भी ज्यादा यूजर्स का एज बिलो 35 है। बट अनलाइक अर्लियर, आज इंस्टाग्राम एक मिनी पॉन्ड साइट बनता जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये पॉन्ड इंडस्ट्रीज इंस्टाग्राम के थ्रू यंग माइंड्स पे पेनिट्रेट कर रहा है कुछ कीवर्ड्स, हैशटैग्स और इमोजीज के सहारे। पर आखिर कैसे इतने सारे गाइडलाइन, न्यूडिटी पॉलिसी और रूल्स होने के बावजूद भी इंस्टाग्राम पर न्यूडिटी इतना ज्यादा फ्लरिश कर रहा है, और कैसे इंस्टाग्राम आज एक पॉन्ड साइट का नया डोर बनता जा रहा है, सब जानेंगे आज इस वीडियो में। और भी जानेंगे कि कैसे प्रोटेक्ट यंग आइज के एक स्टडी ने कैसे इंस्टाग्राम के नो न्यूडिटी पॉलिसी को पूरा ही एक्सपोज कर दिया। आप सिर्फ इस वीडियो को पूरा पेशेंटली देखिए। इंस्टाग्राम कैसे आज एक सॉफ्ट पॉन्ड साइट बन चुका है, इसे देखने से पहले आप एक बार इंस्टाग्राम के नो न्यूडिटी पॉलिसी को देखिए। इंस्टाग्राम में हर दिन 70 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स आते हैं, और इस ह्यूज पॉपुलेशन को कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर लाना बहुत मुश्किल है, जिस वजह से इंस्टाग्राम अपने कम्युनिटी गाइडलाइंस पर यह मेंशन करता है कि यहाँ न्यूडिटी, सेक्सुअल इंटरकोर्स, जेनिटल्स एंड क्लोजअप्स अलाउड नहीं है। पर इसके बावजूद भी ये इन सब कंटेंट्स की कोई कमी नहीं है इंस्टाग्राम पर। इवन प्रोटेक्ट यंग आइज के स्टडी से देखा गया कि इन सब हैशटैग्स को रिपोर्ट मारने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता, कंटेंट विद टाइम बढ़ता ही जा रहा है इवन आफ्टर रिपोर्टिंग। पर आखिर कैसे इंस्टाग्राम पर ऐसे कंटेंट्स का फ्लड है? इस कम्युनिटी गाइडलाइंस के होते हुए भी इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से भी ज्यादा पॉर्न वीडियोस और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट इन अरेबिक हैशटैग्स के अंदर चल रहा है। टेक ब्लॉगर और हैकर जेड इस्माइल ने इंस्टाग्राम पर ऐसे कई पॉर्न वीडियोस को डिस्कवर किया। जेड इस्माइल के हिसाब से यूजर्स ऐसे अरेबिक टर्म्स का यूज करके इस नो न्यूडिटी पॉलिसी से बच जाते हैं, और ऐसे लाखों और हजारों कंटेंट ऐसे अरेबिक टर्म्स के अंदर छुपे हुए हैं। और इस अरेबिक टर्म का इंग्लिश में मीनिंग कुछ और नहीं बल्कि मूवीज है। और सिर्फ अरेबिक में ही नहीं, इंग्लिश में भी अगर आप कुछ ऐसे नोन हैशटैग्स लाइक हैशटैग बेब, हैशटैग सेक्सी को सर्च करो, तब आपको ऐसे ऐसे कंटेंट दिखाई देंगे जो कि ऑलमोस्ट पॉर्न ही है। और ऐसे एक दो ने हजारों और लाखों कंटेंट इंस्टाग्राम पर भरे पड़े हैं, जिसे कोई भी यंगस्टर या फिर टीनेजर इजीली एक्सेस कर सकता है। कोई रोक टोक नहीं, जस्ट हैशटैग को सर्च करो, आपको सब मिल जाएगा। इवन अपने ब्लॉग पोस्ट में जेड ये भी कहते हैं कि ऐसा कंटेंट कोई भी देख सकता है, कोई एज वेरिफिकेशन नहीं होता, कोई वार्निंग नहीं होता। इवन जब कोई पॉर्न वेबसाइट पर पॉर्न देखता है, वहां पर भी एज वेरिफिकेशन और वार्निंग होता है। अब आपको लग सकता है कि इंस्टाग्राम पर ऐसे कीवर्ड्स को ब्लॉक क्यों नहीं कर देते? इसका रीजन है इन कीवर्ड्स का वेरिएशन। इंस्टाग्राम कभी कभार ऐसे कीवर्ड्स को ब्लॉक कर देता है जिसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके बाद उसी वर्ड्स के कहीं और वेरिएशंस निकल के आते हैं जिसके अंदर वो कंटेंट अवेलेबल रहता है, जस्ट लाइक और ऐसे ही कई हार्डकोर कंटेंट इन फॉरेन लैंग्वेज सर्चेस के अंदर होता है, जिन्हें रोकना पूरा ही इम्पॉसिबल है। और अगर इन सभी चीजों को रोक भी लिया जाए, हाइपोथेटिकली मान भी लेते हैं, तब भी एक और चीज आपको इन सभी एक्सप्लिसिट कंटेंट की ओर ले जा सकता है, और वो है इंस्टा पॉन इमोजी लेवल्स। सिर्फ हैशटैग से ही नहीं, आपको इन इमोजीज के थ्रू भी बहुत सारे इनएप्रोप्रिएट कंटेंट देखने को मिलेगा, लाइक एगप्लांट इमोजी, स्प्लैश इमोजी एटसेट्रा। एडल्ट कंटेंट क्रिएटर हमेशा किसी ना किसी तरीके से इन सिंपल इमोजीज को इनएप्रोप्रिएट और सजेस्टिव मीनिंग देने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इवन एक्सीडेंटली भी इन इमोजीज को सर्च बार में यूज करे, तो वो इन एक्सप्लिसिट और पोर्नोग्राफिक कंटेंट से एक्सेस कर सकता है। पर अब आप ये कह सकते हो कि माना कि ये सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट है, पर ये पॉर्न तो नहीं है, इनका लेंथ तो बहुत शॉर्ट है। जी हाँ, इनका लेंथ बहुत शॉर्ट है, पर इफेक्ट नहीं, इनका इफेक्ट बहुत बड़ा है।
ये सब वीडियो दिखा के आपने एक यंगस्टर, एक टीनेजर के मन में एक ऐसा थर्स्ट क्रिएट कर दिया है कि वो इस चीज को और ज्यादा कंज्यूम करना चाहेगा, जिसके कारण अब वो नए नए तरीके ढूंढने लगेगा ऐसे कंटेंट को देखने के लिए, और इससे अब वो एंटर करेगा पॉर्न साइट के डार्क वर्ल्ड पे, जहाँ इंस्टाग्राम होगा उस डार्क वर्ल्ड का डोर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आपने एक इंसान को सॉफ्ट पॉर्न का एक ऐसा टेस्ट दे दिया है कि अब उसको अपने लाइफ में एंटरटेनमेंट और डोपामिन के लिए वही चीज चाहिए होगा। अब यहाँ से उसका वल्गर कंटेंट का एक्सप्लोरेशन शुरू होता है। अब वो बहुत सारे एप्स, वेबसाइट्स और सीरीज को एक्सप्लोर करेगा जहाँ पर उसको ऐसे कंटेंट देखने को मिलेगा, और ऐसा करते ही एक व्यूअर यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाता है। बरसों का साइंटिफिक स्टडी हमें यही बताता है कि पोर्नोग्राफी हर एज ग्रुप के लोगों के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है, और अब तो बच्चों के लिए इन सभी कंटेंट का इतना इजीली एक्सेसिबल होना सबसे ज्यादा कंसर्न की बात है। पोर्नोग्राफी का ऐसा कंजम्पशन एक इंसान के सेक्सुअल टेस्ट और डिजायर को ही बदल देता है, एक इंसान के ब्रेन का बायोकेमिकल कोऑर्डिनेशन ही बिगाड़ देता है, उसे और ज्यादा एग्रेसिव और हार्मफुल बनाता है, और देखते ही देखते उस इंसान को एक पॉर्न एडिक्टेड बना देता है, और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, मोबाइल फोन एडिक्शन से भी कहीं गुना ज्यादा एडिक्टिव होता है ये पॉर्न एडिक्शन। बस यही पर इस वीडियो को एंड करूंगी। बाकी अगर आपको इंस्टाग्राम एडिक्शन और कैसे इंस्टाग्राम आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है इसको देखना है, तो आप इस वीडियो को क्लिक कर सकते हो।